If alpha and beta are the zeros of the polynomial, x square minus x minus 4, एक polynomial आपको दिया गया, मान लीजिए आपका question कर रहा हूँ मैं, fx equal to x square minus x minus 4, इसके zeros दिए गए हैं alpha और beta, तो दो बातें तो हमको पता ही है, इसकी कई सदियों से पता है, alpha plus beta minus of minus 1 upon 1 minus b by a, तो minus b की जगह minus 1 upon 1 मतलब कितना 1 और alpha into beta equal to कितना c upon a minus 4 upon 1 मतलब कितना minus 4. अब इस क्वेश्चन में कहा गया है बहुत ही सिंपल चीज कि 1 upon alpha 1 upon beta और alpha beta की value find करो. हम लोग इसको बड़े आराम से find कर सकते हैं 1 upon alpha 1 upon beta और alpha beta की value. चलिए पहले सॉल्व करते हैं. देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, बल्कि इन तीनों का ले लो कितना आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा. ओके, अल्फा में अल्फा का डिवाइड किया कितना बचा, बीटा, बीटा इनटू 1 कितना, बीटा, अल्फा बीटा में बीटा का डिवाइड किया कितना बचा, तो यहां पर क्या लिख दिया, अल्फा. अल्फा बीटा में 1 का डिवाइड किया कितना बचा, अल्फा बीटा का अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई कितना हुआ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. चलिए देखिए, क्या आप बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, हां जी बिल्कुल लिख सकते हो, और इसे आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसे आप अल्फा बीटा रहने दीजिए. चलिए वैल्यू पुट करिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, ये आ जाइए 1, बीच में लगाइए माइनस, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी, -4, तो यहां पे -4 का होल स्क्वायर, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी, -4, वैसे की वैसे रख लीजिए, 1 की जगह 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो यहां पे आ गया 16, 1 माइनस 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस 16 ही होगा, तो माइनस 16 रख दीजिए, ये वाला माइनस और ये 16 अपॉन कितना, -4, एक में से 16 गया कितना, -4 अपॉन कितना, 4, आंसर कितना आया, 15/4, ये नोट करिए, ये आंसर था, क्लियर है ना, यस सर, ठीक है, मेरा सही है, नीचे 4 ही लिखा है.